दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको शिहाब चतुर की हाजी यात्रा की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो आप सभी शिहाब भाई को जानते ही होंगे, हालांकि आज शिहाब चतुर एक ऐसा नाम बन गया है जिसे हर मुस्लिम तो जानता ही है, उसके साथ साथ बाकी धर्म के लोग भी उसे जानने लगे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो हर मुस्लिम के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। दरअसल शिहाब चतुर एक 29 वर्षीय मुस्लिम है जो मल्लपुरम केरल के रहने वाले हैं, और आज से लगभग 221 दिन पहले केरल के मल्लपुरम से मक्का सऊदी अरब के लिए पैदल हज यात्रा पर निकले हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि क्या शिहाब भाई का सफर फिर से शुरू हुआ है या नहीं। वैसे दोस्तों कई जगह से ये खबर आ रही है कि शिहाब भाई ने अपना पाकिस्तान का सफर शुरू कर दिया है, और वो अभी पाकिस्तान के पंजाब तक सफर कर चुके हैं और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इस बात को अभी तक पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, क्योंकि शिहाब भाई नहीं चाहते हैं कि उनके सफर में और कोई मुसीबत आए, इसीलिए उनके पाकिस्तान के सफर को अभी तक सीक्रेट रखा गया है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि शिहाब भाई का ये सफर बड़ा ही मुबारक सफर है, और इस सफर के दौरान अब किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान में 600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि शिहाब भाई का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और वो अभी भी उसी आफिया किड स्कूल यानी कि खासा अमृतसर पंजाब में ही रुके हुए हैं, जहां वो पिछले 3 महीने से रुके हैं। और जहां तक हमने शिहाब भाई के बारे में जानकारी जुटाई है, उससे भी ये निकल कर आया है कि शिहाब भाई अभी भी इंडिया में ही है और आफिया किड स्कूल में ही रुके हैं। अभी तक जिस किसी ने भी ये बोला है कि शिहाब भाई का सफर पाकिस्तान से शुरू हो चुका है, उसने कोई भी पुख्ता सबूत इस बात का नहीं दिया है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि शिहाब भाई ने अपना सफर पाकिस्तान में शुरू कर दिया है या नहीं। और अगर उनके सफर से जुड़ी कोई भी ऐसी बात होती तो आज के जमाने में सोशल मीडिया से ये बातें छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि आज शिहाब भाई को सभी जानते हैं। और अगर उनका पाकिस्तान का सफर शुरू होता तो कोई ना कोई पाकिस्तानी इस सफर का फोटो खींचकर वीडियो बनाकर जरूर सोशल मीडिया पर डालता और सबको उनके सफर की जानकारी देता। लेकिन अभी तक शिहाब भाई के हवाले से किसी भी सोशल मीडिया फैन पेज पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है, और ना ही किसी ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं। वैसे दोस्तों जिन लोगों का ये कहना है कि शिहाब भाई अभी भी पंजाब के आफिया किड स्कूल में है, उन्होंने इस बात के सारे सबूत भी दिए हैं, और उन लोगों ने शिहाब भाई के लेटेस्ट फोटो और वीडियोज भी पोस्ट किए हैं। और इसके अलावा उन लोगों ने शाही इमाम पंजाब की ऑडियो को भी लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें बताया गया है कि शिहाब भाई अभी भी पंजाब के खासा गांव में उसी आफिया किड स्कूल में ठहरे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिल चुका है और वो उसके बाद ही पाकिस्तान के सफर पर निकले हैं। लेकिन जितनी जानकारी अभी हाथ लगी है उसके हिसाब से तो शिहाब भाई को अभी तक पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला है, और ना ही उन्हें पाकिस्तानी वीजा मिलने की कोई अपडेट अभी तक किसी के हवाले से दी गई है, क्योंकि अगर उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिल जाता तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर या किसी भी ऑफिशियल आईडी पर इस बात की अपडेट जरूर डाल दी जाती कि उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिल चुका है और वो अपने सफर को दोबारा से शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब किसी को भी शिहाब भाई के सफर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ही उनका सफर शुरू हो जाएगा और इस बात की अपडेट भी हमें उनकी तरफ से जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि अभी शिहाब भाई के सामने लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है, और इस तरह एक जगह पर रुके रहने से उन्हें आगे का सफर मुकम्मल करने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों पूरी दुनिया की नजर अब शिहाब भाई के सफर पर रुकी हुई है, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक उन्हें ऐसे ही एक जगह पर रुके रहना पड़ेगा और कब उनका पैदल भारत से मक्का पहुंचने का जो सफर है वो पूरा होगा। वैसे दोस्तों अभी शिहाब भाई के हवाले से ऐसी खबर भी आ रही है कि अगर उन्हें जल्दी ही पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला तो वो फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान को क्रॉस करेंगे और ईरान और तफ्तान बॉर्डर से अपने सफर को फिर से शुरू करेंगे और समय पर अपनी मंजिल तक यानी कि मक्का तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर अब शिहाब भाई ने जल्द से जल्द सफर शुरू नहीं किया तो उनका सफर पूरा होने में बहुत सी मुसीबतें आ सकती है। और पिछले 3 महीने से एक ही जगह पर रुके रहने से उनका बहुत ही टाइम बर्बाद हो चुका है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि शिहाब भाई 3 महीने से एक ही जगह पर रुके हैं, इसलिए अब वो 2023 का हज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर शिहाब भाई ने 1-2 दिन में अपना सफर शुरू कर दिया तो वो तय समय पर अपनी ये हज यात्रा पूरी कर लेंगे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी शिहाब भाई के पास लगभग 7 महीने का वक्त बचा हुआ है। और अगर वो बचे हुए 5500 किलोमीटर के सफर को समय रहते पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें 1 महीने में लगभग 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करना होगा। अगर वो जल्द से जल्द अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो इस सफर को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, और हाँ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।